आज हम आए हैं आपके सामने लेके शहर के बिल्कुल बीच में सेंटर में जो बना हुआ है फेरी टाउन, फेरी हॉल कहलाता है बेसिकली। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने फेरी हॉल का एक छोटा सा रिव्यू लेके आए हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की कंस्ट्रक्शन और क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जितना ये खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है उस तरीके से यहाँ पर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। ये चेक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर डिफरेंट किस तरह के लोग हैं। तो वह सब बताएगा यहाँ पर एक फैमिली जो है वो किस तरीके से। ये इस बिल्डिंग का जो खूबसूरती है, जो हुसन है, व्यूअर्स यकीन करेंगे ये बिल्कुल एक डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर जिस तरीके से इसे रिस्टोर करना चाहिए था उस तरीके से तो फिर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये भी गनीमत है कराची हुकूमत की कि इन्होंने इस हद तक इस लास्ट विंटर में मैं इधर आया था तो यहाँ पर बड़ा अच्छा एक फ्लावर्स का एक एग्ज़िबिशन हुई थी, लेकिन इस साल शायद इन्होंने इसे नहीं किया। और मेरा ख़्याल से होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त जब मैं आया था तो उस वक्त अच्छी खासी फैमिलीज आई थी और एक अच्छा इन्वायरमेंट था, लोग आ रहे थे। वो जगह के एतबार से, लोकेशन के एतबार से ये पार्क बहुत खूबसूरत बना हुआ है। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है और आपको अक्सर हमारे वीडियोस में और कमर्शियल में आपको ये नज़र आती है ये इमारत। वैसे ये बिल्डिंग जितनी कदीम खूबसूरत है व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं ये जिस तरीके से बनाई गई है बिल्डिंग, ये चेक कीजिएगा। यहाँ पर एक अच्छा इंतज़ाम है, बेहतर है, चेक कीजिएगा। हम अभी ऊपर चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको। अंदरूनी हिस्सा है, आप देख सकते हैं जो बनाया गया है यहाँ पर। ये जीना है और जीने से ऊपर आप देखिएगा, हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर व्यू चेक कीजिएगा। ये चेक कीजिएगा यहाँ से, और ये बड़ा अच्छा एग्जाम है, वरना यकीन करेंगे ये शायद अब तक ये अपनी असली हालत में ना होती और बहुत ज़्यादा शायद ये डिस्ट्रॉय हो चुकी होती अगर ये बर वक्त हुकूमत इस चीज़ को ना टेक ओवर करती प्रॉपरली। ये ऊपर का शाहकार देखिएगा, ऊपर रूफ़ का आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत ये आर्ट गैलरी का मंजर पेश कर रहा है। चेक कीजिएगा ये पेंटिंग्स और ये आर्ट गैलरी है, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं, आप देखिएगा रोड। और ये अच्छा एग्जाम है, नीचे में चेक करना।
करिएगा, ये फेरी हॉल की पिक्चर आपके सामने है। अच्छा अभी ये पोर्शन देखिए, ऊपर से मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शायद मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में आपको ये भी शायद नज़र आएगा बना हुआ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये खाली है और अभी यहाँ पर कुछ नहीं बना, लेकिन अनकरीब आने वाले वक्तों में शायद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पेंटिंग्स या आर्ट गैलरी या कुछ और शायद डेवलपमेंट हो किसी तरह का, कि जो विजिटर्स के लिए और भी अच्छी और इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो ये देखिए पूरा पोर्शन खाली हो गया और ये मेरे ख्याल से अभी बन रहा है, इसलिए वर्किंग चल रही है अभी। इतना पोर्शन बनाया गया है जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई हैं वीडियो में, और मज़ीद इस पर अभी वर्किंग चल रही है, तो अनकरीब शायद हो सकता है आपको मज़ीद भी इस पर कुछ और भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और अच्छी आर्ट गैलरीज के हवाले से नज़र आएँ। ये इसके बाहर का हिस्सा जाने का और आने का पूरा पार्ट है, पोर्शन है, और इस पर मेरे ख्याल से वर्किंग चल रही है, तो अनकरीब इंशाल्लाह ये और भी मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। और ये खूबसूरत बिल्डिंग का शाहकार आप देखेंगे, आप ये खूबसूरत बिल्डिंग सफाई का कोई भी ख्याल नहीं रख रहा, बस बड़े दुख की बात है, और मुझे यकीन करेंगे बड़ा दुख हो रहा है कि ये एक हमारा असासा है, लेकिन ये असासा जो है वो किस ज़बो हाली का शिकार है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग को अब तक और मज़ीद खूबसूरत हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर हमारी अपनी नाअहली है जिसकी वजह से ये, और कुछ हम बाहिस्सत शहरी जो हैं वो भी इसकी हिफाज़त नहीं करते हैं। आते हैं यहाँ पर अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा वचरा देखें, हर चीज़ बनाई गई लेकिन कचरा देखें यहाँ पर बिल्कुल बना दिया रखा फेंका हुआ इन्होंने, यहाँ पर हर चीज़ इस तरीके से देखें जो इसका हाल है। व्यूअर्स मैं बहुत पहले भी इधर आया था, और दिन ब दिन ये समझ लें कि डेप्रिशिएट हो रही है, और आसपास की जो जगह हैं पार्क बना हुआ है वो ट्रैक तो बना दे, लेकिन सफाई का बिल्कुल से हुकूमत से गुजारिश है प्लीज़ इससे रीस्टोर मज़ीद इस पर डेवलपमेंट करें और अच्छे तरीके से इसको रीस्टोर करें, और यहाँ पर कुछ ऐसी स्टडीज अपनाएं कि यहाँ पर अच्छी फैमिलीज आएँ और यहाँ पर एक्टिविटी हो जो वाकई देखने के लायक हो, जो मज़ीद फॉरनर के लिए भी अट्रैक्टिव हो, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी जगह है। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की हेरिटेज के हवाले से आपको जो भी हो वीडियो लाता रहूँगा जो हमारे शहर के अंदर और दीगर शहरों में है, तो आप मेरी मुझे जो मेरे चैनल है उसे सपोर्ट ज़रूर करें आप, ताकि मैं मज़ीद हमारी हौसला अफजाई और हम इस तरीके से और भी आपके सामने वीडियोज़ लाते रहें अच्छी अच्छी, और जो पब्लिक सर्विस मैसेज का भी काम करें और कुछ लर्निंग हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिए व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।